श्याम ने कहा मां रस्सी को खोलो और एक रस्सी उठाओ उसमें हमें बांध दो। तो यशोदा ने एक रस्सी में कन्हैया को बांधा। यशोदा मैया के घर में पत्थर की ओखली थी, तो यशोदा धान कूटा करती थी, उस ओखली से कन्हैया को बांध दिया। हाँ, ध्यान रखना, पहले की माताएं घरों में धान कूटा करती थी, पहले चाकी चलाती थी हमारी माताएं, धान कूटा करती थी, मेहनत किया करती थी। पहले की संस्कृति ही कुछ अलग थी। एक बात अब और कहेंगे, जितनी भी बड़ी बूढ़ी माताएं पहले की थी, जितनी बीमार नहीं होती थी। सच बता रहा हूं, पहले की जितनी बड़ी बूढ़ी अम्मा है जो जल्दी बीमार नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि घरों में मेहनत करती थी, धान कूटती थी, चाकी चलाती थी। देखो, पहले में और आज में बड़ा अंतर है। पहले की नारियां वस्त्र भी ऐसे पहनती थी जो शरीर का कोई अंग दिखाई नहीं देता था। मैं हकीकत सुनाऊंगा और सत्य कड़वा होता है। मैं जानता हूं किसी किसी को हमारी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन पहले की माताएं भी ऐसे वस्त्र पहनती थी जो शरीर का कोई अंग दिखाई नहीं देता था। और अब देखो, अब दूर से मानव बन जाकर कानों में झुमका पहने, बाला पहने, और अब तो ऐसे ऐसे वस्त्र चले हैं। हमने तो देखो भगवान हमारे साथ मच्छर का नहीं तो बढ़िया होते। ऐसी ऐसी साड़ियां चली हैं, मच्छरदानी फिर बढ़िया होते। क्या जमाना बदल गया, कहां से कहां पहुंच गए हम लोग। एक विद्वान ये कहता है, अरे राम जमाना कितना बदल, हाथ में तलवार भाई के देखना हम देखते हैं।
दूसरे की कोई कमी नहीं थी। हर कोई गाय पालता था, हर कोई भैंस पालता था, लेकिन अब जिससे गौ गाय पालते हो, भैंस पालते हो, गाय पाली जाती। शहरों में हमने देखा है रियायत में तो भैंस दूध देते हैं, गाय दूध देते हैं, लेकिन शहर में आदमी दूध देते हैं। यशोदा ने कन्हैया को रस्सी में बांध लिया और यशोदा के घर में ओखली थी, उस ओखली से श्याम को बांधा है। ओखली से कन्हैया को बांधने के बाद यशोदा मैया काम से लग गई और श्याम सुंदर ने झटका मार के ओखली को गिरा लिया। झटका दे के श्याम ने बहु खली नहीं गिराए, यमलार दुनर के वृक्ष में तुरंत फांस चली जाए। ओखली को गिराया, यमलार दुनर के वृक्ष बाबा नंद के द्वार पे खड़े थे, उन वृक्षों के बीच से होकर श्याम निकले हैं, कन्हैया तो उधर निकल गए और ओखली जाके बीच में टक गई। श्याम सुंदर ने घर की ताकत लगाई, दोनों वृक्ष के बीच से उखड़ गए और उन वृक्षों से पुरुष प्रकट हुए, जो भगवान को देख करके पहले हंसने लगे और तुरंत ही रोने लगे। ये कौन थे दोनों वृक्षों से जो पुरुष प्रकट हुए, ये कौन थे दोनों हंसे और फिर रोए? हंसे तो इसलिए कि तीनों लोग का भगवान आज देखो छोटी सी रस्सी में बंधा है, और रोए अपनी करनी पे। ये वृक्षों से जो पुरुष प्रकट हुए हैं, ये दोनों यमुनार्जुन के जो वृक्ष थे, नलकुवर और परिग्रीव कहलाए, दोनों कुबेर के लड़का थे दोनों। Yeah.
राजा भगवान शंकर के वरदाने थे, कैलाश निवासी थे। Thank you.